जहां एक तरफ बिहार में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्म है तो दूसरी तरफ भाकपा माले के नेता भी कहां कम रहने वाले। मोदी सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क और महंगाई पर बात करने से भाग रही है, ऐसा भाकपा माले के नेता देवेंद्र कुमार ने कहा। भाकपा माले के द्वारा 30 जनवरी को जब जाले थाना चौक के पास से गांधी चौक तक के लिए एक पद यात्रा निकाला गया। भाकपा माले के राज्यव्यापी संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जन संकल्प यात्रा के तहत जाले नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड से होते हुए गांधी चौक तक खेगरामस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य देवेंद्र कुमार, भाकपा माले प्रखंड सचिव ललन पासवान, वरिष्ठ नेता नरेश चौधरी, किसान नेता मांझी यादव के नेतृत्व में पदयात्रा निकाला गया। पदयात्रा के दौरान कार्यकर्ता पर्चा वितरण करते हुए केंद्र सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ नारे लगाते हुए नजर आए। गांधी जी के स्मारक पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि देते हुए कर्पूरी और गांधी के विरासत को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। मौके पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए भाकपा माले नेताओं ने कहा कि चुनाव से पूर्व भाजपा ने महंगाई कम करने, काला धन वापस लाने, भ्रष्टाचार रोकने, 2022 तक सभी को पक्का मकान देने, 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी देने के लोक लुभाव वादे किए थे, लेकिन सत्ता मिलते ही जनता के साथ वादा खिलाफी कर बैठी। मोदी सरकार देश में नफरत और विभाजन की राजनीति कर रही है, इससे संविधान, लोकतंत्र एवं धर्मनिरपेक्षता खत्म किया जा रहा है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के अधिकार पर हमला तेज कर दिया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, सड़क और महंगाई के सवाल पर मोदी सरकार हमेशा से भागती रही है और बात करने से भाग रही है। मोदी सरकार नौजवानों को रोजगार देने के बजाय हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा करवाकर और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ कर 2024 के लोकसभा चुनाव जीतना चाहती है, जिसे भाकपा माले सफल होने नहीं देगी, ऐसा भाकपा माले के नेताओं ने कहा। हालांकि इस मौके पर सभा को उदय यादव, मिथिलेश कुमार राय, राजू पासवान, राजू बैठा, महेंद्र मातो, पप्पू राय, रामलाल पासवान और भी कई सारे भाकपा माले के नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा। ये खबर आप देख पा रहे थे, जाले नगर परिषद क्षेत्र के मुख्य इलाके से मुख्य सड़कों पर जब पद यात्रा के बैनर तले, भाकपा माले के बैनर तले भाकपा माले के सिपाही मोदी सरकार के खिलाफ भाजपा सरकार पर वार करती हुई नजर आई और अपनी आवाजों को बुलंद करती हुई नजर आई। वीडियो में बने रहे अंत तक और देखें क्या सब कुछ कहा इस मौके पर भाकपा माले के नेताओं ने। आप देख रहे हैं पक्की खबर, सच है तो खबर है। हम शर्मिंदा हैं, गांधी जिंदा है, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, भाजपा हटाओ, देश बचाओ, गांधी की विरासत जिंदाबाद, 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 पूरे गांधी की विरासत जिंदाबाद, 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 गांधी हम शर्मिंदा हैं, मेरे गांधी जिंदा है, गांधी हम शर्मिंदा हैं, मेरे गांधी जिंदा है, नफरत नहीं अधिकार चाहिए, रोजगार चाहिए, नफरत नहीं अधिकार चाहिए, शिक्षा और रोजगार चाहिए, गांधी के, गांधी के हत्यारे सर्व करो, सर्व करो, गांधी का प्यारा शर्म करो, शर्म करो, इंकलाब जिंदाबाद, 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 भाकपा माले जिंदाबाद, 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 कर्पूरी के विचारों से किताब के तारीख करने पर नीतीश कुमार प्रतापगढ़, जिंदाबाद, चारों के साथ गद्दारी करने वाले नीतीश कुमार मुर्दाबाद, 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 भाजपा हटाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ।